कि योर स्किल इज लाइक वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन बाकी ये आपको सेल भी करना आना चाहिए यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल यू हैव टू कम अक्रॉस सम वन हु नोज इज शेट हु इज़ लाइक इन कंट्रोल हबड़ दबड़ नहीं हो रही हाथ नहीं काँप रहे ये नहीं कॉँप रहे थोड़ा कॉन्फिडेंस और यूनिवर्सिटी आपको बेसिकली यही सिखाती है हाउ टू वर्क इन कोर्क विद यहाँ तो अब नया मंजन चल रहा है यूनिवर्सिटी सारी बेकार है तो, तो हारवर्ड को आग लगा देते हैं ऑक्सफर्ड को भी आग लगा देते हैं ah. है ये कोर्स वाला जो अब सारी एजुकेशन ऑनलाइन है तो ह्यूमन कैन लर्न ऑल ऑफ इट ऑनलाइन एंड गिव द द डिग्री बट जो एक यूनिवर्सिटी या एक स्कूल uh, का सोशल माहौल है आई थिंक वो बहुत जरूरी है That's आपको true. दूसरे इंसानों के साथ ही काम करना है अनलैस आपने मतलब पूरी ज़िंदगी एक हर या आइसोलेशन में गुजारनी है जो मावे वाले लड़के नहीं होते कोडिंग कर रहे हैं पूरा हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं बट ये है कि एक हमने दूसरे लोगों के साथ एग्जिस्ट करना है तो जो सोशल एस्पेक्ट है वो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से तो आई थिंक पैसे उसी के हैं सारे और जिन यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली कुछ यहाँ पे हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जैसे आप जाएं तो लगेगा कि मतलब हस्पता या जनाजे का माहौल है ना सफ़ेद दीवारें सफ़ेद टाइल ना बंदा ना बंदे की जात कोई आर्ट नहीं वहाँ पे जस्ट डिप्रेसिंग प्लेसेस तो ओवर देयर आई थिंक यू नो यू कॉन्ट फ्लरिश या डेवलप एज ह्यूमन बीइंग जहाँ आपकी क्रिटिकल uh, थिंकिंग को चैलेंज नहीं किया जा रहा जहाँ आपको स्टिम्यूलेट नहीं किया जा रहा जहाँ पे नीडलेस कंस्ट्रेंट्स प्लेस किए जा रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि वी आर मिसिंग अ ट्रिक हेयर स्पेशली यू नो आर फिक्सेशन विद के 75 फाइव परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए ये मैंने बाहर पढ़ा है नहीं होता बाहर ठीक है और ये इसलिए ये पता नहीं प्रोफेसर की ईगो को असुज करने के लिए होता है कि यार मुझे ऑडियंस मिलती है तो हाँ मैं 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 छोटे क्राउड जैसे नहीं हम चौड़े होके परफॉर्मर छोटे क्राउड के लिए परफॉर्म नहीं करते पांच छह लोग में नहीं करता मैं बट ये हां रिडिकुलस एक मैट्रिक है ये हाँ। 75% अटेंडेंस होनी चाहिए यूनिफॉर्म आपका इस तरह का होना चाहिए हमारा यूनिफॉर्म होता था बाय द वे एनडी में? में नस्ट में नस्ट में हाँ हाँ हाँ, यूनिफॉर्म नस्ट शेव करके आए बाल ऐसे कटे हों ऑक्सफोर्डजी माहौल ऑक्सफोर्ड स्टाइल जूते बेल्ट एक तरह की सुबह पहुंचेंगे आठ बजे वरना इतना फाइन ये यार जो मतलब आपकी मुझे लगता है यार जिम्मेदारी नहीं है ये क्या आप अगर एक पोजीशन में हैं जहाँ आप एजुकेट करना चाह रहे लोगों को आपकी जिम्मेदारी है कि इन आ, इन माइंड्स को आप नरिश करें आप इनका मतलब इट्स लाइक यू टेकिंग केयर ऑफ इट यू यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इफ़ यू प्लेसिंग दीज रिडिकुलस रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन इट ये ये तो मतलब इस टेंट अमाउंट टू क्राइम ऑलमोस्ट इतने सारे आई नो मेरे साथ के लोग डे वन और एंड ऑफ ईयर फोर में स्टार्क डिफरेंस वो नहीं लगता कि द लाइफ हैज बीन सकट आउट ऑफ दम वो वाला और आप यू मीट अलॉट मोर पीपल देन आई डू आई एम श्योर यू मीट अलॉट ऑफ इंजीनियर्स एज वेल यू मस्ट हैव सीन के बहुत सारे इंजीनियर्स की वन डायमेंशनल पर्सनैलिटी होती है और वो इसीलिए होती है वन रीजन फॉर इट इज सच स्टाइफलिंग एकेडमिक इन्वायरमेंट अगर आपने एक लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा कर, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया